आज जो है सो हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 देख रहे हैं, जिसके अंदर सॉल्व करना है हमको सिंपल इक्वेशंस। जैसा कि फर्स्ट प्रॉब्लम है 6m इज इक्वल्स टू 12, तो पहले हम सॉल्यूशन के लिखेंगे के अंदर लिखेंगे 6m इज इक्वल्स टू 12। फिर 6m इज इक्वल्स टू 12 के ये जो 6 है हम उसको डिनोमिनेटर में सेंड करेंगे 12 के नीचे। 6 गोस बिलो 12 और ये दोनों भी एक टेबल में आते हैं 6 के, तो 6 टू ज़ा 12 एंड 6 वन ज़ा 6, तो 2/1 आंसर आया हमको, तो हम लिख सकते हैं m इज इक्वल्स टू 2। सेकेंड बिट, अब इसमें है 14 p इज इक्वल्स टू -42। 14 कुछ जो है जो दिया गया है हमको पहले वो लिख लेंगे हम प्रॉब्लम, फिर 14 को जो है सो डिनोमिनेटर में सेंड करेंगे -42/14। 14 के टेबल में अगर हम देखें तो 14 वन ज़ा 14 होता और 14 थ्री ज़ा -42 होता। 14 थ्री ज़ा माइनस 14 14 थ्री ज़ा 42 एंड 14 वन ज़ा 14, तो ऊपर जो है सो माइनस बचा हुआ है -3/1, तो हम लिख सकते हैं आंसर इज -3। -5y इज इक्वल्स टू 30 है, तो ये हम गिवन लिख लेंगे और -5 को 30 के नीचे भेजेंगे। तो जब 30 के नीचे -5 भेज रहे हैं हम, तो वो कुछ इस तरह हो जा रहा -30/5। 5 वन ज़ा 5 एंड 5 सिक्स ज़ा 30। पहले हम कैंसिल करेंगे 30, 5 सिक्स ज़ा 30, 5 वन ज़ा 5, देन 6/1 इज 6, बट वी आर हैविंग माइनस इन द न्यूमरेटर सो वी विल राइट -6। नेक्स्ट है -2x इज इक्वल्स टू -12, तो जो दिया गया है हमको वो लिख लेंगे हम -2x इज इक्वल्स टू -12। -2 को जो है हम डिनोमिनेटर में सेंड करेंगे 12 के नीचे, तो ये हो जाएंगे x इज इक्वल्स टू -12/-2। माइनस माइनस विल गेट कैंसल एंड ऑल्सो, और यहाँ पर हम 12 और 2 को कैंसिल कर सकते हैं। 2 वन ज़ा 2, 2 सिक्स ज़ा 12, 2 सिक्स ज़ा 12 हो गया, 2 वन ज़ा 2 हो गया, तो अब 6/1 मीन्स 6, देयर फॉर आंसर इज 6। नेक्स्ट बिट 34x इज इक्वल्स टू -51 है, जो दिया गया है हमको वो लिख लेंगे हम 34x इज इक्वल्स टू -51। 34 को हम डिनोमिनेटर के नीचे सेंड करेंगे, डिनोमिनेटर में सेंड करेंगे -51/34। अब ये 34 और 51 दोनों भी 17 के टेबल में आते हैं, तो 17 2 ज़ा 34 एंड 17 3 ज़ा 51, तो 17 3 ज़ा 51 एंड 17 2 ज़ा 34, तो आंसर है -3/2। n/7 इज इक्वल्स टू -3 है, तो हम लिख लेंगे वो n/7 इज इक्वल्स टू -3। पहले इसके अंदर हम करेंगे क्या बोलते, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में दिया गया है 7, तो हम वो 7 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 से, तो 7 3 ज़ा हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 ज़ा, 7 3 ज़ा 21। अब इसके अंदर आंसर डायरेक्टली वही छः जो आ गया हमको 21, कुछ भी सॉल्व करना नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ पर है 2x/3 इज इक्वल्स टू 18। यहाँ पर जो 2x/3 है, अगर हम x को रखें और 2/3 को वो साइड सेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3/2। x इज इक्वल्स टू 18 × 3/2। हम कैंसिल कर सकते हैं 2 को और 18 को, जो कि 2 के टेबल में 18 आता, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 9 3 ज़ा जो बचा है वो 9 3 है, 9 और 3 है, तो 9 3 ज़ा 27। ये नेक्स्ट बिट है 3x+1 इज इक्वल्स टू 16। +1 जो है पहले वो जो दिया गया है हमको वो लिख लेंगे हम 3x+1 इज इक्वल्स टू 16। 1 जो है सो इक्वल टू के वो साइड जाएगा यानी 16 के बाद, प्लस 1 अगर वो साइड गया तो -1। 3x इज इक्वल्स टू 16 -1, अगर 16 में से एक निकाल दिया तो 15,
और ये अब 3 जो है 15 के नीचे जाएगा, x इज इक्वल्स टू 15/3। तो अब हम जैसा कि देख सकते हैं 3 के टेबल में 15 भी आता और 3 भी आता, तो हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं। 3 1 3, 3 5 15, 5/1 मीन्स आंसर विल बी 5। नेक्स्ट बिट है 3p-7 = 0। तो जो दिया गया है हमको वो लिख लेंगे हम 3p-7 = 0। पहले -7 को हम इक्वल टू के वो साइड भेजेंगे, -7 उधर गया तो +7, और जो 3 है p के साथ मल्टीप्लीकेशन में, अगर वो इक्वल टू के वो साइड गया तो डिवाइड में चले जाता, p इज इक्वल्स टू 7/3 हो जाता। सो आंसर है p इज इक्वल्स टू 7/3। नेक्स्ट बिट है 13-6n = 7। तो ये जो 13 है हम इक्वल टू के वो साइड भेजेंगे, तो +13 उधर गया तो -13, और 13 में से 7 निकालने पर 6 मिलेंगे, लेकिन क्योंकि बड़े नंबर की साइन माइनस है इसीलिए हम माइनस लेंगे, -6n = -6। अब जो है ये जो 6n के साथ है वो डिवाइड में जाएगा वो साइड, अगर डिवाइड में जाएगा तो -6/6 -6, माइनस माइनस कैंसिल, एंड 6 जो भी दो भी 6 हैं जो है सो 6 के टेबल में आते हैं, तो 6 1 6 एंड 6 1 6, आंसर है 1/1, आंसर विल बी 1। अब 200y-51 = 49 दिए, तो हम लिख लेंगे 200y-51 = 49। ये जो 51 है वो इक्वल टू के वो साइड जाएगा, तो -51 वो साइड गया तो +51, 200y = 49 + 51 कितना हो जाता 100। ये अब 200 जो y के साथ है इनटू में वो डिवाइड में चले जाएगा, यानी y = 100/200। 100 1 100, 100 2 200, तो आंसर है 1/2, n = 1/2। नेक्स्ट है 11n + 1 = 1। जो दिया गया है हम वो लिख लेंगे, 11n + 1 = 1। पहले 1 जो है सो इक्वल टू के वो साइड भेजेंगे हम, 1 वो साइड गया तो 1 - 1 0 हो गया वो, और 11 जो n के साथ है उसको हम डिवाइड में भेजेंगे, 11 विल गो बिलो 0, 0/11, 0/कुछ भी करो तो आंसर आएगा 0, 0/11 आंसर विल बी 0। 7x-9 = 16 है, तो ये हम लिख लेंगे 7x-9 = 16, -9 इक्वल टू के वो साइड गया तो +9, 16 + 9 कितना होता 25, और ये 7 जो है मल्टीप्लीकेशन में एक्स के साथ, अगर हम इसको इधर से वो साइड भेजेंगे तो वो डिवाइड में चले आएगा, तो 25/7। अब नेक्स्ट है 8x + 5/2 = 13। तो इसमें हम पहले लिख लेंगे जो दिया गया है 8x + 5/2 = 13। पहले 5/2 को हम इक्वल टू के वो साइड भेजेंगे, तो +5/2 वो साइड गया तो -5/2, और यहां पर 2 से 13 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 13 26, -5/2, 26 में से अगर 5 हम माइनस करें तो कितना होता 21, और ये जो 8 है x से पहले उसको हम नीचे भेज देंगे डिनोमिनेटर में, 8 2 16, 21/16। नेक्स्ट 4x-5/3 = 9 है, तो जो दिया गया हम वो लिख लेंगे एक बार, फिर उसके बाद में -5/3 = के वो साइड गया तो +5/3, 4x = 9 + 5/3। अब हम 3 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे,
फोर एक्स इज इक्वल्स टू 27 प्लस 5, 27 में अगर 5 मिलाएंगे तो हम कितने होते हैं 32, और जो 4x से पहले है वो भी डिवाइड में आ जाएगा 32 बाय 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, 27 प्लस 5 32, तो अब ये 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, तो ऊपर बचा 8 और नीचे बचा 3, तो आंसर विल बी 8 बाय 3। नेक्स्ट इज x प्लस 4 बाय 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटीजर 1 बाय 2। पहले क्या करेंगे हम, ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको मिक्सड फ्रैक्शन को जो है सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे हम। तो जो पहले जो दिया गया वो लिख लिए, 2 3 जा 6 एंड 6 प्लस 1 7, 7 बाय 2। एक्स प्लस 4 बाय 3 इज इक्वल्स टू 7 बाय 2। अब जो ये 4 बाय 3 है इक्वल टू के वो साइड भेजना है हमको, तो प्लस 4 बाय 3 उधर गया तो माइनस 4 बाय 3, 7 बाय 2 माइनस 4 बाय 3। हम अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा अगर एलसीएम निकाले तो 6 हो जाता, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 एंड 3 7 जा 21 एंड 2 4 जा 8, और नीचे जो है सो मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6 3 7 जा 21 माइनस 2 4 जा 8। अब 21 में से अगर हम 8 निकालेंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 13, 13 x इज इक्वल्स टू 13 बाई 6।